तो जी आज हम आ चुके हैं नेहरू प्लेस में, और नेहरू प्लेस में हम आपको लेके आए हैं यहाँ की सबसे पुरानी सबसे मशहूर जगह, मेरे पीछे आप देख सकते हैं न्यू पंजाबी खाना, जो कि कम से कम कुछ नहीं तो मैं जान से देख रहा हूँ 1990 से, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं और बहुत ही मज़ेदार। कितने रुपए की हैं सारी चीज़ें आपको बताएंगे, सब दिखाएंगे, पूरी वीडियो एंड तक देख। पंजाबी खाना नेहरू प्लेस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा इनकी सब्जियां, इनकी करीज, इनकी ग्रेवीज, इनका पनीर, इनका राजमा, सभी कुछ बहुत ज़्यादा मशहूर है। नमस्कार भैया। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? ऋषि। तो पहले आपके फादर बैठते थे शायद, वो अपनी फादर और फादर से पहले ग्रैंड फादर। ओ, तो आप थर्ड जनरेशन संभाल रहे हैं, तो ये लगभग कितना पुराना होगा? 1984 से चला रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। छोटे से लेवल से, बहुत छोटे लेवल। उस टाइम तो सही बात, 15 वाला पेप्सी दे सकते। तो अभी आप संभाल रहे हैं पूरा, बहुत जबरदस्त। तो मेरे को बताएं जरा यहाँ पे क्या क्या आपके यहाँ फेमस है। क्या है ना, एक मेन फेमस है वो शाही पनीर और राइस है। शाही पनीर राइस सबसे ज्यादा फेमस है। और उसके अलावा क्या क्या रखते हैं आप? उसके अलावा आपको तवा रोटी मिल जाएगी। हाँ जी। और प्लैटर मिल जाएगा जो आजकल बहुत ऑनलाइन फेमस हो रहा है। प्लैटर, हाँ। इसमें एक प्लेट राइस में 6 सब्जियां मिल जाएंगी अलग अलग। ओके। वो 160 रुपए का। ओके। और बाकी मेन है, जो मेन सबसे ज्यादा बिकता है फेमस है चावल, वो भी राजमा चावल, शाही पनीर, राजमा, कढ़ी, ये सब है। सोया चाप, कोफ्ता, छोले, दाल। हाँ, मतलब बेसिकली जितनी नॉर्थ इंडियन आइटम्स हैं वो सब। तो एक बार चेक करें सब्जियां चल के अंदर। पक्का बिल्कुल। तो भाई अंदर चलते हैं और आपको सारी सब्जियां दिखाएंगे इनकी क्या क्या है इनके पास। ये है इनकी किचन, यहाँ आप चेक करें चावल ही चावल तैयार हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वांटिटी में, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर हैं नेहरू प्लेस में जो लोग आते हैं वो लोग इंजॉय करते हैं। साथ में आप देखिए गर्मा गर्म रोटियाँ भी तैयार की जा रही हैं, और ये जो भाई हैं कंटिन्यूसली इनको बनाते रहते हैं। तो कितने सुबह से लगे रहते हो भैया सिर्फ रोटियों में? तो भाई इनका काम है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बनाना, और कितनी सारी लोही यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे सब्जियों की भरमार देख सकते हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं कौन कौन सी सब्जी यहाँ पे है। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये क्या है जी? चाप। चाप, तो पूरी स्टिक डाल देते हो? सो चाप। बहुत जबरदस्त। दो पीस। एक प्लेट में दो पीस और प्लेटर में सिंगल पीस। प्लेटर में सिंगल पीस। ये क्या चीज है? राजमा। क्या बात है यार, इतने गाढ़े राजमा। मतलब जो पतले राजमा में कोई टेस्ट कोई फ्लेवर नहीं आता, इनके राजमा आप चेक करो बहुत ही थिक है। अच्छा जी, और ये आगे जी, ये क्या है? ये शाही पनीर, और साथ में कुछ और भी है? धनिया नहीं, वो कोफ्ता। शाही कोफ्ता। ग्रेवी सेम रहती है? आजी, आजी। तो भाई अगर आप देख लो इनकी ग्रेवी सेम है शाही पनीर की और कोफ्ते की, क्योंकि जनरली ग्रेवी टमाटर की बनती है, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है ये। ये क्या है जी? कढ़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा। जी हाँ जी। अजी वाह, मतलब सारी मजेदार चीजें रख रखी हैं आपने। ये भी एकदम गाड़ी तड़का मार रखा है इसमें। हाँ जी हाँ जी। बहुत जबरदस्त। और क्या है जी? सर छोले आ जाते हैं जी। छोले, वाह यार, छोले का कलर चेक करो। टमाटर भी, मिर्ची भी, धनिया सब एकदम जैसे शादी वादी में होते हैं। सेम वही है ना, जैसे मोटे मोटे पीस टमाटर के डाल रखे हैं। व्हाइट वाले काबली। ये आगे जी दाल मखनी। क्या बात है, बहुत ही गजब। दाल मखनी भी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। और मतलब सारी सब्जियों को देख के ऐसा लग रहा है कि भाई बस लगवाओ एक प्लेटर बढ़िया से। और भी है सब्जी? ये क्या है जी? सर मटर पनीर। मटर पनीर, अजी वाह। मटर पीस दिखाना एक बार। हाँ सर। ये देखो भाई पीस आप चेक करो, जूम करके दिखाता हूँ मैं कितना बड़ा पीस है, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है सब्जियां एकदम गाड़ी चिक चिक बनाते हो। आप ही बनाते हो क्या? नहीं सर, दूसरे ना, सर दूसरे लोग बनाते हैं, शेफ सीनियर बाहर है। अच्छा, बहुत जबरदस्त। तो भाई इतनी सारी यहाँ पे सब्जियां हैं खाने के लिए, मजे लेने के लिए आप यहाँ आए, और जो आप सब्जी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। बात है भाई, आप इस ग्रेवी को चेक करो, इतने बड़े बर्तन में एक ग्रेवी बनाई जा रही है, और यहाँ पे भाई
ये किस चीज की ग्रेवी होती है जी? ये शाही पनीर की। शाही पनीर की, अजी वाह, एक बार दिखाओ जरा, आज गर्मा गर्म एकदम। और ये कितने लीटर होगी कम से कम? ये सब पता नहीं, कोई अंदाजा नहीं है, फिर भी मेरी ख्याल में 50 तो होगी, है ना? ये देखिए भाई, जबरदस्त, कितना बड़ा बर्तन है और कितनी ज्यादा ग्रेवी बनी हुई है। और ये सब्जियों में यूज होती रहती होगी। तो जी ये है इनकी प्राइस लिस्ट, आप सारी प्राइस लिस्ट खुद ही चेक कर लो, और एक एक का मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्या क्या कितने का है। ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक काफी लंबा मेन्यू है। और भाई ये थाली लगने जा रही है, थाली कितने की है? 120 रुपए की ये थाली है। सुपर डिलक्स भी है, इसके ऊपर भी है, 40 वाली भी। ये क्या डाला आपने, दाल मखनी जी? ये आगे जी कड़ी, तो डिलक्स में क्या और इसमें क्या फर्क होता है? सिर्फ गुलाब का। अच्छा, गुलाब जामुन का फर्क होता है। तो भाई ये जो थाली है वो भी आ चुकी है, काफी बढ़िया। और रोटियां इसमें भी चार, रोटियां इसमें भी चार होती हैं। भाई ये लगने जा रही है थाली, और इस थाली में कितनी सब्जियां होती हैं भैया? तीन, तीन सब्जियां। ये आ गई शाही पनीर, ये दाल मखनी और मिक्स वेज, और ये रायता, गुलाब रख, और ये आ गया जी गुलाब जामुन। ये है भाई कड़ी चावल, इनके बहुत ही फेमस और बहुत ही ज्यादा बढ़िया। यहाँ से शुरुआत होती है प्लेटर की, और ये जो है सबसे पहले प्लेटर में राइस डाले जाते हैं, उसके बाद क्या डाला जाएगा जी? ये आ गया जी शाही पनीर, पनीर का पीस आप चेक करो कितना ज्यादा बढ़िया है। ये कौन सी सब्जी है? राजमा। ये आ गया जी राजमा। अब बारी आती है, ये क्या है? चाप। और सारी सब्जियां कितनी बढ़िया लग रही हैं, कितनी ज्यादा जबरदस्त लग रही हैं, आप चेक करो। ये आ गई जी कड़ी पकोड़ा, और भी कुछ जाएगा? ये क्या है? ये आ गई जी मिक्स वेज, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त भाई। और क्या जाएगा? छोले भी जाएंगे? अरे वाह भाई, ये है इनका शानदार प्लेटर, जो कि कितने रुपए का ये? 160। हमारा प्लेटर यहाँ पे आ चुका है, और प्लेटर की जो कीमत है वो है 160 रुपए। आप देखो सबसे पहले इसमें दिया गया है भाई शाही पनीर, और आप पीस चेक करेंगे पनीर का तो कितना ज़्यादा बड़ा पीस है, कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है, मज़ेदार है। साथ में आप इधर आइए, आप ये देखिए भाई, इसमें छोले भी दिए गए हैं बढ़िया वाले, एकदम मज़ेदार। साथ में ये है कड़ी पकौड़ा, और ये जो प्लेटर है स्पेशली डिज़ाइन किया है इन्होंने, जिससे कि हर जो ग्रेवी का है, हर सब्जी का टेस्ट आप ले पाएँ। और ये है भाई इनकी चाप, मसाला चाप, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। साथ में जो इनके फेमस हैं भाई राजमा, वो भी यहाँ रखे हुए हैं। तो सबसे पहले इनके राजमा ही टेस्ट करते हैं किस तरीके के हैं। भाई राजमा ना गाढ़े गाढ़े ही बढ़िया लगते हैं, एकदम थिक ग्रेवी वाले, मज़ेदार। अब आप पनीर की तरफ आइए, ये है इनका शाही पनीर। सब्जी है ना बहुत मज़ेदार, और ना बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। साथ में छोले, मिक्स वेज और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो भाई अगर ये प्लेटर आपको एंजॉय करना हो, देखो ये चाप बढ़िया लग रही है, मज़ा आ गया भाई। अगर आपको भी ये प्लेटर एंजॉय करना हो तो आपको आना पड़ेगा नेहरू प्लेस में, न्यू पंजाबी खाना में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं खाने वाले, जो इस खाने को एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। भाई हम लेते हैं इसका मज़ा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, कमेंट कर देना, शुक्रिया।